तुम्हें पता है बस एक साइन की दूरी हो फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। वो तो मैं पहले ही हो गई हूँ, बस अब रस्म ही पूरी करनी है। अच्छा ये बताओ कि मुंह दिखाई में तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता है जो तुम मांगोगी ना मैं तुम्हें दूंगा। जो मैं मांगूंगी मिलेगा? जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। तो मेरी जान भी मांगोगी ना वो भी ना तुम्हें मिलेगा। यूसुफ प्लीज, हया से शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ उसके घर चलो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? अरे शकीला सब सही हो गया ना? अरे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है आपा। तब भी अच्छे लगे। ये यूसुफ कहाँ रह गया? यूसुफ, यूसुफ बेटा आ जाओ जल्दी, बहुत देर हो रही है। जी जी आया, एक सेकेंड। माशाल्लाह माशाल्लाह से तो बेटा कितना अच्छा लग रहा है। हमेशा खुश रहो, बहुत अच्छे लग रहे हो। आमीन आमीन, और वो भी नूर के साथ। चलो भाई देर हो रही है। शहजाद कहाँ है? अरे शहजाद जल्दी करो। शहजाद जी जी आ गया, कहाँ रह गया ये लड़का? अच्छा सुनो एक काम करते हैं, रास्ते में मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तो मौलाना साहब को लेके आना। ठीक है? ठीक है चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत देर हो गई। चल बहुत ख्याल रखना। मैं आमिर के पास जरूर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी प्लीज मुझे जरूर बताना। प्लीज तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, और जाते ही तुमने मुझे कॉल करनी है, और प्लीज आमिर भाई से भी बात करा देना। धन फिजा प्लीज जिद मत करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिसकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है ना, तुम बस उसी की जिम्मेदारी उठाओ तो बहुत है। मुझे छोड़ने वाले बहुत लोग हैं। तुम क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हो? प्लीज खुद को समझाओ, जानबूझ के खाई में छलांग मार रहे हो। क्यों?
खाई में गिरने वाले बचते नहीं है क्या? गिरने के बाद जो चोटें आती है ना, वो जिंदगी भर का गम बन जाती है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कहीं और अपने लिए इंतजाम कर लो। चले जाओ यहां से। ये पिंटा चुके माँ, तुम बहुत गलत कर रहे हो। खैर, तुम अपना पूरा सुकून खराब कर दोगे। अपनों को सुकून देके मुझे सुकून मिलता है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगी। हेलो, मैं फिजा के फ्लैट में हूं। ओके, आता हूं। बस फिर मैंने नूर का फ्लैट छोड़ दिया। लेकिन क्यों? फिजा एक्चुअली नूर के फ्लैट से मूव कर गई है, तो अब मैं वहां अकेला नूर के साथ क्या रहूंगा? आप चाहें तो यहां रुक सकते हैं। थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैं होटल में रुक जाऊं। एक ही दिन की बात है, रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूं अगर मैं यहाँ आपके पास रहा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इंसिस्ट करती हैं तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मगर मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं आपका सामान गेस्ट रूम में रखवा देती हूँ। वैसे भी अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है सफर, बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगी। मैं आपके साथ हर किस्म का सफर गुजारने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, खाना खाया है आपने? मैं लगवा देती हूँ। नूर का निकाह हो गया है यूसुफ के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमाद ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो हया को जानता नहीं है? मतलब हया किसी की जिंदगी में रहने की काबिल नहीं है। हमें रोकना होगा हमाद को। हमाद नहीं रोकेगा, छोड़ो उसे। क्या मतलब छोड़ो उसे? भाई मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। हाँ, लेकिन तुम हया की मोनी लगोगे, मैंने कह दिया। लेकिन हम इस तरह खामोश तो नहीं बैठ सकते ना। हम आपके बच्चा नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी है, उसे जो करना है वो करे, हमें क्या? क्या सोच रहे हो? बस यही सोच रहा हूँ कि हया का अंजाम क्या है। तुम्हें पता है, उसे शायद अंदाजा भी नहीं है कि वो आज कहाँ है। क्या सोचो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? जब वक्त आएगा तब बताऊंगा तुम्हें। अम्मा, तुमने नाश्ता कर लिया? बताओ मुझे क्या खाओगी आज? तुम्हारे लिए मैं वही बनाऊंगी। ये भूत कैसे उतर गया अचानक से? बता क्या हुआ है? इधर आ, बात सुन। कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, बता मुझे। एक तो अम्मा तुम ना ये गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ा करो। कल जब मैं ठीक नहीं थी तो भी तुम्हें बुरा लग रहा था,
आज जब मैं ठीक हूं तो भी तुम्हें बुरा लग रहा है। वही तो, तेरे एकदम ठीक हो जाना अभी तो ठीक नहीं है। सच बता, ये तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बता। क्यों अम्मा, कुछ भी नहीं चल रहा, बस मैंने अपने दिल को राजी कर लिया है। और वैसे भी अम्मा, जरूरी नहीं है कि हम जो चीज पसंद करें वो हमें मिल भी जाए। बस बस, ज्यादा बातें मत बना, जा चल जा, नाश्ता बना के ला मेरे लिए। अचानक से एक ही रात में ठीक हो जाना, दाल में कुछ काला है। कोई बात नहीं बेटा, फरा मैं भी ना तेरी माँ हूँ बेटा, माँ हूँ मैं तेरी, पता चल ही जाएगा। क्या करोगे, तुम कर भी क्या सकते हो? हमाद राजी है, मैं राजी हूं, तुम क्या कर लोगे यूसुफ? शकीला, देखा तुमने कितना बुरा इंसान है, मेरी बच्ची को एक फोन नहीं करने दिया कि वो भाई को शादी की मुबारकबादी दे दे। आपा कहती तो तुम ठीक हो, बस अल्लाह मेरी बेटी को शादो आबाद रखे, मुझे तो बहुत फिक्र होती है आखिर कब तक बर्दाश्त करेगी वो। आपा कहती तो तुम ठीक हो, इसीलिए तो बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ की जाती है ताकि कोई अच्छे लोग मिले। हाँ मियाँ, आप फिक्र ना करें, मैं एक काम करता हूँ, रिदा के घर जाऊँगा, लेकर आता हूँ उसे। लेकिन बेटा देख लेना जरा संभल के, बेटी के ससुराल का मामला है, वो इस घर का दामाद है, और दामाद जैसा भी हो बेटी का घर बसाने के लिए ना मैके वालों को ही झुकना पड़ता है। अम्मी इसमें रिदा का क्या कसूर, गलती मेरी थी ना, मैंने शादी से इनकार किया था, उसने तो नहीं। आपा यूसुफ बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें एक दफा बात कर लेनी चाहिए। क्या अब रिदा को वो घर वालों से मिलने नहीं देंगे? जो भी बात है उन्हें रफा दफा कर लेना चाहिए। मैं आप दोनों के लिए ना दम का कीमा बना के लेके आई हूँ। चलो ये तो छोड़ो, ये बताओ कल क्यों नहीं आई थी तुम? कल अम्मिया की तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं थी, अब मैं ऐसी हालत में उनको छोड़ के तो नहीं आ सकती थी ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाते हुए मिठाई साथ ले जाना। मिठाई? और भाई फरा, मैं तो कहती हूँ अब तुम भी कोई अपने लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। अरे आंटी, अच्छे लड़के के लिए ना शक्ल का अच्छा होना भी जरूरी है, अब ऐसी सूरत में कौन पसंद करेगा मुझे? अरे क्यों, क्या हुआ इस सूरत को, अच्छी खासी तो है? हाला अच्छी खासी तो है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि कोई पसंद करे। अब सबा को देखें आप, माशाल्लाह कितनी खुश है वो, अब कौन मिलेगा मुझे जो उसकी तरह मुझे खुश रख सके। अरे पागल, अल्लाह ने हर किसी के लिए जोड़ बना के रखा हुआ है, और जो तुम्हारा जोड़ होगा वो तुम्हें मिलेगा, तो देखना कैसे खुश रखता है इंशाल्लाह। अच्छा आप ये बातें छोड़े खाला, ये बताएं सबा कैसी है? अरे सबा माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है। तुमने दम का कीमा खुद बनाया है, अम्मी सबा पाकर लाई हो? आंटी मैंने खुद बनाया है, और अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको तरकीब भी बता दूंगी, खा के देखेंगे ऐसा है। साबा ये लो जल्दी से अपना जूस फिनिश करो। नहीं मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, क्या आप पी लें? जी तबीयत आपकी खराब है, मेरी नहीं, आप कोई भी ना हो गए। अच्छा लिए आपसे एक बात कहूं? कहो। बहुत दिन हो गए अम्मी से नहीं मिली, दिल घबरा रहा है, अगर आप अम्मी को थोड़ी देर के लिए बुलवा लें तो प्लीज। बस इतनी सी बात है, तुम कॉल कर दो उनको, मैं ले आऊंगा जल्द। लाइए मेरा फोन। अच्छा भाई फोन भी हम ही दें। हेलो। हाँ
सबा बेटा बताओ कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? अच्छा खाला, अम्मी कहाँ हैं? मेरी बात करवा दें प्लीज। अरे वो शकीला अभी अभी नहाने के लिए गई है, आती है तो बात कराती हूँ। ठीक है। अच्छा आप रिदा अपी से तो बात करवाएं, इतना टाइम हो गया कभी उनसे बात नहीं हो सकी। अरे सबा कहाँ आई मेरी बच्ची, आने ही नहीं दिया उन लोगों ने। क्यों खाला, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनके इकलौता भाई हैं और बस बेटा, शौहर सब कुछ कर सकते हैं अगर करने पाए तो। अच्छा तुम अपना बहुत ख्याल रखा करो, सही है? चल बेटा, अच्छा अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, आज तू इतना चुप चुप क्यों है? यार मैं सोच रहा हूँ कि उससे अपने दिल की बात कह दूँ। मैं तो तुझे कब से बोल रहा हूँ, बोला क्यों नहीं तूने अभी तक? उसको लगता है कि उसको कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत नहीं है ना। तू एक काम कर, उसे किसी अच्छे से पार्क ले जा, वहाँ प्रपोज कर, ये ठीक रहेगा। क्या क्या लेके जाऊँगा और वो जाएगी क्यों मेरे साथ? हाँ वैसे ले जाने का बहाना ढूंढ, तू बाइक तो यूसुफ भाई की है। लेकिन यार कहूँगा क्या मैं? यार तेरे पास उसका नंबर भी तो नहीं है, वरना फोन पे अपने दिल की बात कह देता, ये तो और भी आसान है। यार नंबर का तो कोई इशू नहीं है, नंबर तो मैं आते जाते मांग लूंगा। वैसे हैरत की बात है तूने नंबर नहीं मांगा अभी तक। यार उस दिन मैं गया था निकाह का बताने के लिए, लेकिन वो बेचारी सुबह से कमरे में बंद थी। क्यों? बताया तो था उसकी अम्मा के बारे में, लेकिन मेरे जाते ही दरवाजा खोल दिया था उन्होंने। फिर हो गया फैसला? कैसा फैसला? कि तेरे लिए उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत है बेटा, तू अपनी डायरी में मेरी ट्रीट लिख ले। पहले हाँ तो होने दे। नहीं बोलेगी। चलो ठीक है, फिर मैं आज आपके पास चक्कर लगाता हूँ, फिर आपके साथ ही देख लेता हूँ। ऑल राइट, ओके, सी यू, बाय। आप घर क्यों चेंज कर रहे हैं? आपका एक घर है तो सही, आप वहां क्यों नहीं चले जाते? मैं अपना घर बेच चुका हूँ, उससे मुझे जितना भी पैसा मिला था वो मैं अपने बिजनेस में लगा चुका हूँ। अच्छा तो आप कहाँ जाएंगे? देखो अभी जा रहा हूँ घर देखने, अगर मुझे समझ आ जाएगा तो मैं शायद आज ही शिफ्ट होगा। हम निकाह कब कर रहे हैं? कर लेंगे इतनी जल्दी क्या है, और जल्दी में वैसे भी काम खराब होते। और मैं नहीं चाहता कि हमारा काम खराब हो। ओके काफी अपसेट लग रही हो, सब खैरियत तो है? अली रिदा भी अपने घर खुश नहीं है। क्या बात कर रही हो यार, मैंने सुना है वो अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, उनका हस्बैंड बहुत केयर करता है उनकी। हमें भी यही लगता था, लेकिन जब हम पर हकीकत खुली तो मामला कुछ और ही था। रिदा भी सिर्फ अपने हस्बैंड का भरम रखने के लिए झूठ बोलती है, वो तो उन्हें घर भी नहीं आने देती। तो आंटी को इस हवाले से बात करनी चाहिए, वो बेचारी पता नहीं क्या कुछ फेस करती होंगी अपने घर पे। खाला कह रही थी कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब तो फोन तक पर बात नहीं होती, उनके फोन पर कॉल करो तो फोन ऑफ मिलते हैं, और उनके हस्बैंड को कॉल करो नंबर बिजी कर देते। ठीक है मैं खुद खाला से बात करता हूँ इस सिलसिले में, तुम प्लीज परेशान ना। अरे यूसुफ, शादी मुबारक हो। क्या हुआ, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे? अरे भाई मैं भी तो शादी कर रही हूँ तुम्हारी तरह। लेकिन मैं तुम्हें हमाद से शादी कभी नहीं करने दूंगा, समझी तुम? क्या करोगे तुम, कर भी क्या सकते हो?
हमाद राजी है, मैं राजी हूँ, तुम क्या कर लोगे यूसुफ? बोलो हमाद, क्यों कॉल की? नूर, वो यूसुफ। क्या हुआ यूसुफ? दिल इश्क़ का, दिल इश्क़ का, दिल इश्क़ का।